प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे जीवाणु परिचय, जीवाणु के बारे में, उसके सामान लक्षण, जीवाणु किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थियों जीवाणु या बैक्टीरिया लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं। पादप जंतु अनेक जो जीव हैं उनके लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। तो आइए जानें जीवाणु परिचय या जो जीवाणुओं के सामान लक्षण हैं, जीवाणुओं के सामान लक्षणों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बैक्टीरिया करैक्टरिस्टिक्स, विद्यार्थियों जीवाणु एक कोशी के प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी खोज सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक एंटन वॉन लीवेनहॉक ने 10 जून 1675 को की थी। तो जीवाणु या बैक्टीरिया एक कोशी के होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी जो कोशिका होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। इनकी खोज का श्रेय एंटन वॉन लीवेनहॉक को जाता है। असल में एंटन वॉन लीवेनहॉक एक घड़ी साज थे, घड़ी सुधारने वाले थे। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसकी आवर्धन क्षमता लगभग 150 गुना थी द्वारा अनेक पदार्थों जैसे पानी, दांतों से खुरचा हुआ मैल, लार, शारीरिक रसों इत्यादि का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव देखे जिन्होंने एनिमलक्यूल का नाम दिया। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर लिखा, ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव डिस्कवर्ड इन नेचर दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी मैंने जितने भी अजूबे इस संसार में देखे उनमें से ये सबसे महान अजूबा है। एंड आई मस्ट से दैट आई हैव नेवर नोन एज प्लीजेंट ए साइट एज दैट ऑफ थाउजेंड ऑफ दी स्मॉल क्रिएचर्स लिविंग इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्टीयरिंग एज वन ग्रुप येट इच हैविंग इट्स ओन मूवमेंट। उन्होंने बताया कि पानी की एक बूंद में भी ये हजारों की संख्या में है और प्रत्येक की अलग अलग मूवमेंट है, अलग अलग गति है। विद्यार्थियों जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का जो सामान्य विवरण है, सामान्य लक्षण है, वो क्या है? जीवाणु सर्वव्यापी ओमनीप्रेजेंट अर्थात भू जल तथा वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और कई बार तो ऐसे स्थान पर भी जीवाणु पाए जाते हैं जहाँ अन्य जीव नहीं पाए जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी, गर्म जल के झरने, इन स्थानों पर भी इनको नोटिस किया गया है। ये अत्यंत सरल संरचना युक्त एक कोशी के प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो मुख्य जो बात है यहाँ पर वो ये है कि ये प्रोकैरियोटिक हैं, असीम केंद्र की हैं, इनकी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक और केंद्रक के साथ साथ ही जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अतः वे मृतोपजीवी अथवा परजीवी होते हैं। कुछ जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हैं उनको छोड़कर ये सेप्रोफेटिक या पैरासिटिक होते हैं, यानी अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से या जीवित पादप या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में हमने देखा था कि उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है जिसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अन्य प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित शैवालों के समान इनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केंद्रक कला तथा केंद्रिक का भी अभाव होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल इनमें पाए जाते हैं, यानी इनमें डीएनए और आरएनए दोनों ही उपस्थित होंगे। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, अंतःद्रव्यीय जालिका का अभाव होता है, ये हम जान ही चुके हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ये सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिका में श्वसन का कार्य अंतर्वलित कोशिका द्रव्य कला में स्थित मीजोसोम द्वारा किया जाता है। मीजोसोम एक विशेष प्रकार की संरचना है। मीजोसोम कैसे बनते हैं विद्यार्थियों? जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका में अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, उसे ही मीजोसोम नाम दिया जाता है। और मीजोसोम का मुख्य कार्य है श्वसन। अगला है, इनमें अन्य पादपों से भिन्न क्लोरोफिल ए का अभाव होता है।
क्लोरोफिल ए जो है वो सभी पादपों में पाया जाता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता। स्वयंपोषी जीवाणुओं में जीवाणु क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए के स्थान पर यहाँ क्या पाया जाता है? जीवाणु क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन प्राय विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन स्पष्ट रूप से नहीं होता, परंतु कुछ जीवाणुओं में लैंगिक अथवा आनुवंशिक पुनर्योजन सेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो कि संयुग्मन, पराक्रमण या रूपांतरण द्वारा होता है। यानी इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा, बल्कि आनुवंशिक पुनर्योजन, आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्संयोजन पाया जाता है इनमें, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जीवाणु के कारण ही प्रकृति में नाइट्रोजन एवं कार्बन चक्र निरंतर चलते रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव हो सका है। यह एक महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, इनके कारण ही नाइट्रोजन चक्र यानी पादपों के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है असल में, वो जीवाणुओं के कारण ही संभव हो पाता है। विद्यार्थियों, जीवाणुओं और नील हरित शैवाल यानी जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें कुछ समानताएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोनों समूह एक कोशिकीय के सदस्य हैं। दोनों की कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक केंद्रक उपस्थित होता है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जीकाय अनुपस्थित होते हैं। दोनों में कोशिका भित्ति की संरचना और कोशिका विभाजन समान होते हैं। दोनों में जिलेटिन आवरण का बनना अक्सर पाया जाता है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्या क्या समानताएं हैं कि दोनों ही प्रोकैरियोटिक हैं, यानी दोनों में स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, एक कोशिकीय हैं, दोनों में जिलेटिन आवरण अक्सर पाया जाता है, दोनों में समान प्रकार के कोशिका प्रभेद जैसे बेलनाकार, गोलाकार, सर्पिल पाए जाते हैं, दोनों में प्रसुप्त कोशिका यानी रेस्टिंग सेल्स या प्रसुप्त बीजाणु बनते हैं, दोनों में ही कुछ सदस्यों में अत्यधिक शुष्क तथा पानी के उबलने के तापक्रम तक जीवित रहने की क्षमता होती है। नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणुओं की तरह कुछ नील हरे शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने में सक्षम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नील हरे शैवालों में भी मृतोपजीवी जीवाणुओं की तरह मृत कार्बनिक पदार्थ पर जिंदा रहने की क्षमता होती है, और दोनों में ही अलैंगिक जल बीजाणु नहीं बनते हैं। तो ये कुछ इनमें समानताएं हैं। दोनों में द्विगुणन खंडन होता है, दोनों में लैंगिक जनन का अभाव होता है। आधुनिक प्रयोगों में यद्यपि यह पता चला है कि जीवाणु में आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो दोनों ही नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों में ही विद्यार्थियों ये पाए जाते हैं। अब है कि इनमें असमानता क्या है, देखते हैं। विद्यार्थियों, नील हरित शैवाल हमेशा ऑक्सीय यानी एरोबिक होते हैं, जबकि कई प्रकार के जीवाणु अनऑक्सीय होते हैं। नील हरित शैवाल या जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि बहुत सारे जीवाणु अनोक्षीय एनारोबिक होते हैं। कई प्रकार के जीवाणु कशाबिका युक्त होते हैं, जबकि नील हरित शैवाल कशाबिका विहीन होते हैं। सभी नील हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित करते हैं, जबकि कुछ ही जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा उनमें क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। साइनोबैक्टीरिया में सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, नील हरित शैवाल में, और वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जबकि जीवाणु या बैक्टीरिया में कुछ एक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और उनमें भी क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है। सभी जीवाणु या बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनमें भी क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता। विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण में नीले हरे शैवाल जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयन का उपयोग इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है, जबकि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन का स्रोत तथा सह उत्पाद सल्फर होता है, न कि ऑक्सीजन। यानी जो नील हरे शैवाल होंगे उनमें
जल हाइड्रोजन का स्रोत होता है, जबकि नील हरित शैवालों में जल का हाइड्रोजन का स्रोत क्या होगा विद्यार्थियों, जल होगा। जबकि जीवाणुओं में हाइड्रोजन का स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, और इसी कारण से नील हरित शैवालों में पादपों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन होती है, जबकि बैक्टीरिया में यह सल्फर होती है, ना कि ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कि पादप और जीवाणुओं में क्या समानताएं हैं। तो पहली समानता ये है विद्यार्थियों कि जीवाणुओं में एक निश्चित दृढ़ कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की, और जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति होती है, हालांकि उनमें सेलुलोज नहीं होता है। कुछ जीवाणु पादपों की तरह तंतुनुमा आकार में वृद्धि करते हैं। कुछ स्वयंपोषी जीवाणु पादपों की तरह अकार्बनिक पदार्थों यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण भोजन के लिए करते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि कुछ रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति भोज्य पदार्थों का घुलनशील अवस्था में अवशोषण करती है। इनमें कार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के एमिनो अम्ल बनाने की क्षमता होती है। जीवाणु कोशिका की संरचना तथा कुछ जनन विधियां थैलोफाइटा समूह के कुछ पादपों के समान है। जीवाणुओं एवं कवकों के बीच की संक्रामी अवस्था प्रकृति में पाई जाती है। पादपों में भिन्नता स्वरूप जीवाणुओं में सुस्थापित केंद्रक लवक क्लोरोफिल एवं सुस्पष्ट लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो विद्यार्थियों, ये पादप और जीवाणुओं के कुछ ऐसे गुण थे जो एक दूसरे में पाए जाते हैं। आज हमने जीवाणुओं के सामान्य लक्षण या जो उनका परिचय था इसके बारे में अध्ययन किया। आगामी कुछ वीडियो में हम जीवाणुओं के अन्य जो महत्वपूर्ण गुण हैं, इनकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।